दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है, यदि मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस गए हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो उन बच्चों की आप सेफ डिलीवरी कैसे करवा सकते हैं। एक इंजेक्शन ये हमारे पास है, अभी इसका पूरा रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से यूज करना है। यदि मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस चुके हैं और वो नहीं बच्चे दे पा रही है, तब आपको किन किन प्रक्रियाओं का यूज करना है, देसी तरीका क्या है मादा खरगोश से बच्चे निकालने का। कल जो हमने एक वीडियो बनाया था, मादा खरगोश मरे हुए बच्चे क्यों दे देती है, उसमें हमने कई टॉपिक भी डिस्कस किए थे, जैसे कि हाई टेम्परेचर होने के कारण मादा बीमार हो गई है प्रेगनेंसी के टाइम, आप सही फीड नहीं दे रहे हैं जिससे डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स हो जा रही है, बॉडी में कमजोरी हो जा रही है, जबरन क्रॉस करवा दे रहे हैं समय से पहले, मादा खरगोश के मतलब जो डिलीवरी टाइम है उस समय बच्चे फंस जाते हैं, जो सबसे मेन टॉपिक था लास्ट वाला। कई कई बार होता है जो मादा का अमूमन प्रेगनेंसी टाइम 29 से 33 दिन का होता है, अप्रोक्सीमेट जो मादाएं होती हैं 30 से 31वें दिन बच्चे दे देती हैं। 99% मादाएं 31वें दिन बच्चे देती हैं हमारे अनुभव से। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत ज़्यादा 33 दिन ले लेनी चाहिए। कई कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारी मादा ने 32 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 33 दिन हो गए। मैं 1001% श्योर हूँ कि मादा खरगोश के पेट में बच्चे हैं पर उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है, मादा परेशान हो रही है, बार बार कोशिश कर रही है, बार बार मतलब लस्त पस्त हालत है। आप खुद समझिए वो दर्द जब ऐसा भयंकर होगा, जब मादा खरगोश बार बार कोशिश करने के बाद भी बच्चों को डिलीवर नहीं करा पा रही, तो उस सिचुएशंस में कई कई मादाएं क्या होती हैं, मर जाती हैं, वो नहीं बच पाती हैं। तो उन समस्याओं के निदान हम कैसे करेंगे, उस पर आज अभी चर्चा हो रही है। दोस्तों, जो हमने 5 कल टॉपिक बताए थे उसमें एक टॉपिक और है, मरे हुए बच्चों देने का, जब मादा खरगोश समय से पहले बच्चे दे देती है तब भी मादा खरगोश के बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। कल ये टॉपिक जो 5 हमने टॉपिक बताए थे उसमें ये टॉपिक छूट गया था, मादा खरगोश समय से पहले बच्चे, कभी कभी जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन हो जाने के कारण, या पॉइजनस फीड खा लिया, या कोई हीट फीड खा लिया जिसके कारण उसकी प्रेगनेंसी फॉल हो गई, या फिर अनावश्यक आवश्यकता से अधिक उसको आपने दौड़ा दिया, भगा दिया, या फिर मेल खरगोश आपका जबरन उसे परेशान कर रहा है तो समय से पहले डिलीवरी हो जाती, या फिर आपने उसको बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर रखा है तब मादा खरगोश की समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। चलिए उस बात को छोड़कर अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे आपको अपने खरगोश की प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है वो फंस चुकी है, मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस चुके हैं। देखिए, कई तरीके से बच्चे फंसने की प्रक्रिया हो जाती है। सबसे पहला कारण क्या होता है, अमूमन जो सबसे ज्यादा होता है, जब मादा खरगोश ने एक या दो बच्चा एक दिन में दे दिया, आपने हाथ लगा के नीचे देखा अभी मादा खरगोश के पेट में काफी सारे बच्चे भरे हुए हैं, परंतु वो परेशान है, बार बार डिलीवरी बॉक्स में जा रही है, खोद रही है, जमीन में है, घोंसला बना रही है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है। तब आपको देखिए एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है ल्यूटालाइज, जिसका काम क्या होता है। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि ल्यूटालाइज इंजेक्शन का यूज क्या होता है, उसके पहले हमको ये समझना जरूरी है यदि मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस गए तो उनको किस तरीके से, वो जो मैकेनिज्म है, जो शारीरिक प्रक्रिया है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मादा खरगोश का ये बच्चेदानी का मुंह है, बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, बच्चे एक यू लेयर की टाइप में बच्चे मादा खरगोश के पेट में होते हैं, वो बारी बारी से निकलते हैं इस तरीके से, कभी कभी बच्चा उल्टा हो जाता है या फिर टेढ़ा हो गया, तो मादा खरगोशी का जो ये हमारा मान के चलिए बच्चेदानी का मुंह है, उसकी क्षमता है इतनी खुलने की, वो उसमें से टेढ़ा होने के बाद बच्चा नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में अब बच्चा मादा खरगोश बहुत ज्यादा परेशान होगी। कई बार क्या होता है, 2 से 3 दिन बाद ही मादाएं बच्चे दे देती हैं और मरे हुए बच्चों को जन्म देती हैं, तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए किसी न किसी अवस्था से मादा खरगोश का जो ये हमारी बच्चेदानी का मुंह है वो आवश्यकता से थोड़ा अधिक फैले, ताकि आसानी के साथ मादा खरगोश की प्रेगनेंसी हो जाए। तो इस अवस्था से बचने के मतलब इस अवस्था में यदि आपका खरगोश आ गया है तो अब आपको करना ये है कि आपको ल्यूटालाइज इंजेक्शन, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले स्क्रीन पर देखेंगे, हम आपको एक बार ल्यूटालाइज इंजेक्शन दिखा देते हैं। ल्यूटालाइज इंजेक्शन है, जाइडस कंपनी का है, और ये देखिए जो ल्यूटालाइज इंजेक्शन है इसकी 1 ml मात्रा आपको अपनी मादा खरगोश के लगा देनी है, और फिर करीबन ये मान के चलिए मान दो अरे
5 से 6 घंटे के मैक्सिमम 7 घंटे के अंदर मादा खरगोश बच्चे दे देगी। यदि उस समय मादा खरगोश के पेट में बच्चे जिंदा हैं तो आपकी मादा खरगोश जिंदा बच्चे देगी, यदि बच्चे मर चुके हैं पेट के अंदर तो भैया मरे ही बच्चे को जन्म देगी, लेकिन आपकी मादा खरगोश 100% सुरक्षित हो जाएगी। आप इस प्रक्रिया से तकरीबन अभी तक ये मान के चलिए 500 लोगों के कमेंट तो आ ही चुके हैं, सर हमारी मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस चुके हैं हम क्या करें। तो इसलिए ये वीडियो बहुत आज स्पेशल और खास है, जो जानकारी हम आपको यूट्यूब चैनल पर अपने दे रहे हैं, आज तक न भैया किसी यूट्यूबर ने आपको रैबिट के संबंधित ऐसी जानकारी दी होगी, ना ही अब शायद हमें कॉपी करके लोग भले दे, क्योंकि जो लोग जानकार हैं उनकी कंपनियां हैं वो लोग बिल्कुल भी अपने किसान को जानकारी देना पसंद नहीं करते हैं, तो आम आदमी को क्या देंगे। लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल है, निष्पक्ष भावना से चलता है, हर एक किसान, हर एक दोस्त, हर एक मित्र के लिए। यदि रैबिट डॉक्टर उपलब्ध नहीं है इंडिया में, हमारे मान के चलिए है ही नहीं, या बहुत कम जो पेट शॉप जो पेट डॉक्टर हैं जैसे कुत्ते बिल्ली और इस तरीके के, वो भी इस खरगोश का इलाज कर देते हैं परंतु बहुत अधिक पैसे चार्ज कर देते हैं, जितने का हमारा खरगोश नहीं है कहीं अधिक उतने का वो लोग चार्ज कर देते हैं। तो इस संबंधित इन लोगों की मतलब सहायता करने के लिए हमने अपना YouTube चैनल शुरू किया। देखिए ये जो दवा है इसका अभी तक हमने मैक्सिमम एक बार ही उपयोग किया है, जैसे मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस गए, बहुत अधिक परेशान हो रहे, तब हमने 1 ml इसका इंजेक्शन दे दिया और प्रेगनेंसी 4-6 घंटे के बाद हो गई। कमूमन मान लो के चलिए अगर जो बाद में 4 बच्चे दिए, हो सकता है 1 या 2 बच्चे उसमें जिंदा भी निकल आते, तो वो जो हमारा इंजेक्शन का खर्चा है वो उससे निकल आया, बच्चा मादा भी हमारी सुरक्षित हो गई। अब होता क्या है कि जब मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस गए, तो अब हमने इस इंजेक्शन को दिया है, मान लीजिए एक बार में इसका यूज नहीं हो पाया, तो भैया आज तक हमने कभी इस इंजेक्शन का दोबारा मतलब प्रयोग नहीं हमको करना पड़ा, एक बार दिया और फिर भी डिलीवरी नहीं हो रही, या किसी वजह से मादा खरगोश का मुंह अभी भी नहीं खुल पाया, तो आप दोबारा दें या तिबारा दें ये पशु चिकित्सक की सलाह या अपने व्यक्तिगत रिस्क पर दें। आज तक हमने दोबारा इस इंजेक्शन का एक मादा पर 2 बार प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जब दोबारा हमने किया नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं, हम एक ट्रेनर हैं, जो अपने अनुभव आप लोगों से हम अपने साझा करते हैं, जो एक्सपीरियंस हमने अभी तक लिया वो हम आपको बताते हैं। इसलिए जो भी आप दवा इलाज हम बता रहे हैं अपनी व्यक्तिगत रिस्क या पशु चिकित्सक की सलाह से लें। अब ये हो गई एक नॉर्मल बात, और ये समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर बच्चे फंस जाने की, अब हम समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी समस्या क्या होती है, मादा खरगोश का जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 33 दिन का अप्रोक्सीमेट है, मैक्सिमम है, उसको क्रॉस कर गई मादाएं 35 दिन 36 दिन 38 दिन अभी भी वो बच्चे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके लिए क्या किया जाए। और अभी अब जब मादाएं बच्चे डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, फिर वही मैकेनिज्म को आप समझिए, ये बच्चेदानी का मुंह है, मादा बार बार जोर लगा रही है लेकिन यहां से ये मुंह खुल नहीं रहा है, आप देख रहे हैं कि मादा का पेट बढ़ता चला जा रहा है, अंदर बच्चे की ग्रोथ आवश्यकता से अधिक हो रही है, मादा बार बार जोर लगा रही है, उसके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल चिपक चुका है और नहीं खोल पा रही है मादा। तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है आप खुद समझिए, या किसी तरीके से मादा खरगोश का दवा के द्वारा यूं मुंह खोल दिया जाए बच्चेदानी का, या फिर कोई ऐसा स्ट्रोक बाहर से लगे जैसे यूं, तो कि एक बार हल्का सा जो यहाँ पर जो यूं चिपका है एक बार वो हल्का सा खुल जाए, यदि एक बार भी यूं हल्का सा खुल जाता है तो फिर मादा खरगोश अंदर से प्रेशर लगाएगी और वो बिल्कुल खोल देगी, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा होता है, और वो अपने आप सही हो जाएगा। तो जब मादा खरगोश के बच्चेदानी का मुंह एकदम चिपक चुका है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तब आपको ल्यूटालाइज इंजेक्शन 1 ml तो देना ही देना है, उस केस में जब प्रेगनेंसी का टाइम ओवर हो चुका है। अब यदि आपके पास ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं, देखो ल्यूटालाइज इंजेक्शन जो है वो भैया 494 रुपये MRP है 10 ml की, तो ये बहुत कॉस्टली इंजेक्शन है और रेयर केस में मिलता भी है, आम मेडिकल स्टोर्स पर मिल भी नहीं पाता है। तो इसलिए आप लोगों को हम बताएंगे कि अब जब मादाएं लंबे समय से बच्चे नहीं दे पा रही हैं, उनके पेट में बच्चे भरे हुए, बच्चेदानी का मुंह किसी न किसी कारण से चिपक गया, वो खुल नहीं पा रहा, अब जब देखिए मादा खरगोश के गुप्तांग के अंदर कोई यंत्र या हथियार डाल के तो इस बच्चेदानी के मुंह को एक बार हम नहीं खोल सकते, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हमारे हिसाब से तो नहीं है कि भाई अब रैबिट डॉक्टर अपना कुछ भी कर देता हो, उसकी तो अपना प्रोफेशनल्स हैं, उतने प्रोफेशनल्स तो हम हैं नहीं कि हम आपको बता दें कि जाके किसी लकड़ी से या मतलब किसी तरीके की एक लोहे की स्टेनलेस स्टील की रॉड से ऐसा वैसा करें, बिल्कुल नहीं,
अब उस जो मादा खरगोश के पेट की बच्चेदानी का मुंह किस तरीके से हम एक बार हल्का सा खोलेंगे। अब आपको मादा खरगोश को प्रेग्नेंट जो बच्चे नहीं दे पा रहे उस मादा खरगोश को मेल खरगोश के पास ले जाना है और एक बार उसका क्रॉस करवा दीजिए, एक बार मेटिंग करवा दीजिए, एक से दो शिफ्ट मरवा दीजिए। जब मादा खरगोश के ऊपर नर खरगोश चढ़ेगा और एक जोरदार झटका मार के पीछे की तरफ गिरेगा, मतलब कि एक सफल मिलन कर देगा। यदि मादा खरगोश नहीं कर पा रहे, करने दे रहे, जो जबरन वीडियो हमने बनाया मादा खरगोश को कहीं हिट पर नहीं आ रहे कैसे क्रॉस करा है, उस तरीके से आप पूछ पकड़ के मादा खरगोश को जबरन क्रॉस करवा दीजिए। तब क्या होगा, यूं बच्चेदानी के मुंह में जब खरगोश मेल खरगोश का गुप्तांग जाएगा तो एक बार झटके से यूं जो मादा खरगोश के बच्चेदानी का मुंह है वो खुलेगा। वो जो यहाँ पर इन्फेक्शन टाइप का है जो मच्छेदानी के मुंह को चिपकाए हुए वो एक बार में खोल देगा। तो फिर जब मादा खरगोश अंदर से ताकत लगाएगी तो इतना धीरे से खोल देगी मुंह बच्चेदानी का, तब एक से दो दिन में आया उसी दिन शाम तक आपके बच्चे की मादा खरगोश की डिलीवरी हो पाना मुमकिन है। ये एक देसी तरीका जो हम व्यक्तिगत तौर पे इस्तेमाल भी कर चुके हैं वो आपको हमने बता दिया। दोस्तों आज के वीडियो में जो भी हमारे पास इस संबंधित जानकारी थी हमने दे दी है, और आप लोगों से अनुरोध है यदि दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई, यूजफुल है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। भैया बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।